नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आज हरियाणा जीके की तीसरी वीडियो लेकर, देखो वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन अपना तो सुपर 1000 का जो टारगेट है उसका पेज नंबर 3 लेकर आपका बीच पहुंचा हूं। और इस तो संपूर्ण हरियाणा का जो साथी बाबा ने मैंने बोल दिया था आपते बहुत जल्द आपकी सारी हरियाणा जीके कवर करा दूं भाइयों, क्योंकि एक ऐसा है इसमें हर क्षेत्र का प्रश्न है, टॉपिक अपने रह भी जाओ लेकिन इसमें कोई टॉपिक आपका बचेगा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जिसमें प्रश्न पेपर में नहीं बने। तो ज्यादा समय ना लेते हो साथियों, आपके बीच में या तीसरी हरियाणा जी का पेज नंबर 3 सुपर 1000 जो अपना टारगेट है, सुपर 1000 और पेज नंबर जो 3 आपके बीच लेकर आए हैं, पेज नंबर के ही हो 3, ठीक है। और साथियों इसका पहला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा स्थान, पहला प्रश्न है प्रदेश का कौन सा स्थान, प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रणी की राजधानी था, अग्रणी गणराज्य था, अग्रणी गणराज्य की राजधानी था। अगरोहा जो है वो अग्रणी गणराज्य की, प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रणी गणराज्य की राजधानी था, तो साथियों अगरोहा है। और अगरोहा कहां पर है, इसार में है भाइयों, अग्रवा किस जिले में है, इसार में है। तो जैन जो मान ले अग्रणी की राजधानी थी वह कौन सी थी, अग्रवा थी, और वह किस जिले में पड़ा है, इसार जिले में है। और इसार को किसने बसाया था 1354 में, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसार को बसाया गया था एक किले के रूप में, जो एक किला था, ठीक है। और एक हससी ने प्रश्न पूछा था 1352 में इस फतेहाबाद जो था वो बसाया था, फिर बसाया था, ठीक है। तो अगरने की राजधानी अगरवा कहां पर है, इसार में है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, मोहम्मद गजनवी ने, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जो पहला प्रश्न था प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने ब्लैक मार्कर ले लें, हजार लिखेगा, थानेसर पर आक्रमण कब किया, प्रश्न नंबर 2 आ पेपर में, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया। तो साथियों ध्यान रहे, थानेसर जो है पहले तो ये बता दूं, थानेसर कुरुक्षेत्र में है भाइयों, कुरुक्षेत्र में है। और उसने मोहम्मद गजनवी ने जो थानेसर पर आक्रमण कराया था वो 1014 ईस्वी में कब कराया था, 1014 ईस्वी में कराया था, ठीक है। इससे पहले पेपर में प्रश्न आपसे पूछे लेकिन पहले थानेसर आया कब था, तो 1009 में गजनवी पहले थानेसर आ चुका था लेकिन उस टाइम उसने युद्ध नहीं करा था। तो युद्ध कब करा, 1014 में आक्रमण कराया, उससे पहले 1009 में भी वो आ चुका था। उस टाइम जो थानेसर का राजा था और जयपाल कौन था, जयपाल जो था वो थानेसर का राजा था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने 1014 में आक्रमण किया, उस टाइम राजा जयपाल था, 1009 में गजनवी पहली बार थानेसर आया, ठीक है। और इस प्रकार 1014 में उसने थानेसर को जीत लिया। और एक चक्कर स्वामी की मूर्ति थी, चक्कर स्वामी की मूर्ति थी, उसको भी तोड़ दिया था इसने थानेसर में, चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद साथियों 1037 में इसका पोत्र, गजनवी का पोत्र था 1037 में उसने हस्सी पर आक्रमण कराया, मासूद भी पा जाएगा किताबा में, मासूद जो था उसने 1037 में, कई किताबा में मादूद भी पा दिया है, मसूद ठीक है, एचएससी है जो बतराई ने त्रोड़ी लिख दे कि मैं भी लिख सका है। मासूद जो था 1037 में उसने हसी पर आक्रमण कर दिया, उन्हें सोची भाई दादा की विरासत सवा तो दृश्य है, इसने थोड़ी और बढ़ा लिया, ट्राई मार ली उसने और वह ट्राई कद मारी, 1037 में हसी पर आक्रमण गया। उस टाइम हसी का राजा था कुमारपाल जो था वो हसी का राजा था। इस प्रकार पेपर में, और कुमारपाल को इसने हरा दिया, तो पेपर में प्रश्न आ गया गजनवी के वंशजों का, वंशज हो गया पुत्र हो गया, तो गजनवी के वंशजों का हसी पर अधिकार कब हुआ, तो 1037 में, ठीक है।
थाने सर कजन अली कब आया पहली बार 1009 में और उसने आक्रमण कब कराया 1014 में उस टाइम मौजूदा राजा कौन था जयपाल। ठीक है, एक प्रश्न के साथ मैंने यह पूरी डिटेल बताने का प्रयास किया। अगला प्रश्न साथियों, ओहो यो पे बताऊं था तो मैं सारी बार बता दूंगा। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के किस जिले में नगर बसाए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए नगर जिकरा तो मैंने पहले प्रश्न वही कर दिया था, लेकिन ये पूरी बात बता रहे हैं साथियों। ठीक है, क्योंकि अपना काम है पूरा पूरी जीके कंप्लीट करानी हिम पे जाग माध्यम से, और आपने तो सुपर है भैया है पत्ता का कैप्सूल है जो अपना। तो ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश में कौन से नगर बसाए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। पहला नगर देखो 1352 ईस्वी में जी फिरोज शाह तुगलक आया तो जी 1352 में वो पहुंचा था फतियाबाद। देखो नाम तो बाद में पड़ा है फतियाबाद, 1352 में फतियाबाद से गुजर रहे थे तो उसके जो पत्नी थी उसका लड़का हो गया जिसका नाम रुकया भाई इतना शुभ है फतेहगढ़ का युद्ध बन खतरा था तो उसका नाम रखा है ना फतेह खां, और उस जिले में जिस जगह से गुजर रहे थे वो जिला जगह थी फतियाबाद। उसका जो जीव रानी का लड़का है उसकी कह उसका नाम रख दिया ना फतेह करण जहा फतेह का मतलब विजय प्राप्त करना तो फतेह खां नाम रख दिया। और फतेह का नाम पर 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कौन सा नगर बसा था? फतियाबाद नगर बसा था। ओके रिपोर्ट। उसके बाद ठीक दो वर्ष बाद 1354 में उसने अपना एक किला बनाने की सोची और वो किला था हिसार का किला। किला कौन सा था? हिसार का किला। तो हिसार में पेपर में प्रश्न आ जाए फिरोज शाह तुगलक ने हिसार का बसाया तो साथियों 1354 में बसाया था। ओके रिपोर्ट है। उसके बाद एक चीज और है, एक फिरोजाबाद सिरसा जिला है जो सिरसा जिला से 12 मील की दूरी पर फिरोजाबाद जगह है। कौन सी जगह है? फिरोजाबाद जगह है जिसको वर्तमान में अरनीखेड़ा कहा जा है। वो भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। काकी ने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है भाइयों, तो ये तुगलक द्वारा बसाए गए हरियाणा में प्रमुख नगर थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, हरियाणा के किन किन नगरों पर तैमूर ने आक्रमण किए? ठीक है, हरियाणा के किन किन नगरों पर तैमूर ने आक्रमण किया? अगला प्रश्न है, तैमूर ने भाइयों पहला प्रश्न तो यो बन सका हिस्सा है। तैमूर था वो किस ओर तक हरियाणा में प्रवेश किया उसने? तैमूर ने हरियाणा में किस दिशा से प्रवेश कराया? तो उसने कराया जो राजस्थान की जो साइड है अपनी राजस्थान की ओर, तो उसने हरियाणा में प्रवेश कराया। ठीक है, हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से लगा है लेकिन राजस्थान की ओर तो तैमूर ने हरियाणा में प्रवेश कराया 1398 ईस्वी में उसने हरियाणा के सिरसा फतियाबाद और हिसार पर आक्रमण किया। ठीक है, प्रश्न जो था तैमूर ने हरियाणा के किन नगरों पर आक्रमण किया? सिरसा फतियाबाद और हिसार पर 1398 में उसने आक्रमण किया, और जो है वो राजस्थान की ओर हरियाणा में उसने प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा सबने मेरा इस प्रश्न का तो गीता का उपदेश कर दिया गया था। ज्योतिषर सरोवर है वट वृक्ष के नीचे और योग की स्थान जो पड़े है यो सारा कड़ा पड़ा है कुरुक्षेत्र में पड़े है साथियों भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया ज्योतिषर सरोवर के पास वट वृक्ष के नीचे और योग जगह कड़ा पड़ा है कुरुक्षेत्र में। ओके रिपोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अगला आपके बीच तोमर शासकों के शासन काल की जानकारी, व्यापार, कला व संस्कृति। तोमर राजाओं के कला व्यापार संस्कृति की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तोमर राजाओं के व्यापार कला संस्कृति की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो यश तिलक चंपू में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, बड़ा अटपटा नाम है साथियों, याद रह जाएगा क्योंकि इतना भी खतरनाक नाम कोई नहीं जो आपको याद नहीं रहे।
दिल तैयार करोगे तो दिल तक नौकरी मिलेगी, दुआएं भी मिलेंगी आप लोगों को, क्योंकि आप एक पीढ़ी सात पीढ़ी सुधार दोगे नौकरी लगने के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न, क्योंकि आज समय बहुत कम है अपने पास, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1756-57 में पेपर मार्ड प्रश्न है, 1756-57 में हरियाणा पर किसका अधिकार था, किसका अधिकार था 1756। देखो लिखाई की और ध्यान दियो, मेरी आवाज सुन दो वैसे, क्योंकि सब वीडियो में लिखा है और नू मैं कहूँ मिनट मिनट में लाइक करो, शेयर करो, दबा दो, किमे को दबाना वैसा एक बटन दबाना जिससे यह वीडियो चल जाए और यो आपके बीच में खूबसूरत सा चेहरा आपके बीच आ जाएगा और जिससे कि है आपने देखो या एक कैया ने तो कॉमेंट करे गुरु जी के बुरसठ है के बुरसठ तो भाइयों बहुत गणी है, लेकिन यह जो शर्ट है इसकी कीमत अनमोल चीज है, मेरे गुरु जी ने मेरे तो दी थी न बोलया भाई या जीपते मेरे गुरु जी ने दे रखी या शर्ट और या जो पार्टी भी ओढ़ो की तेरा दिख जाकर टेंशन ना लियो, गुरु का जो प्रसाद था वो समझ के ग्रहण कर रखा मैंने और संभावना यह रहे इस शर्ट में जो भी वीडियो बनाऊ सुपर हिट हो जाए आपका प्यार और आशीर्वाद है। ठीक है, तो कई दिन में वीडियो बना रहा है आज गुरु जी का आशीर्वाद देकर सुरक्षा कवच पहन का आपका बीच पहुंचा हूँ। 1756-57 यहाँ में किसका अधिकार रहा, तो मराठों का अधिकार रहा साथियों, मराठों का अधिकार था 1700 मतलब हरियाणा किसका अधिकार में था 1756-57 में मराठों के अधिकार में जो था हरियाणा था और मराठों जो था अहमद शाहब्दाली के बीच, इसका साथ ही बता दो साथियों मराठों और अहमद शाह अब्दाली, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो 1761 में और अहमद शाह अब्दाली है वाद सुन लो साइड दिखदा नहीं वॉइस बोल रहा अहमद शाह अब्दाली। ठीक है चलो समझ जाओगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई 1761 में हुई। कब हुई 1761 में साथियों, देखो बात क्या थी, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे चाहे मैं बाबर की बात करूं, बाबर ने युद्ध कराया था 1526 में, लेकिन वो 1525 में पिच देख गया था, मैच होने के पहले पिच देख गया था ताकि बैटिंग करनी है टॉस जीत जावा तो बैटिंग लेवा या बॉलिंग लेवा, पिच अनुकूल बैटिंग अनुकूल है या बॉलिंग अनुकूल है, लेकिन मराठा ने क्या गलती करी, मराठे जो थे उन अपनी जो हरियाणा की जलवायु से वो परिचित नहीं थे और इस टाइम पर जब 1761 में जनवरी 14 जनवरी को हरियाणा में मकर संक्रांति हो है और मकर संक्रांति ने यो माना गया है हरियाणा की जब हरियाणा में जो सबसे ठंडा महीना हुआ है वो मकर संक्रांति का दिन जबरदस्त ठंड हरियाणा में पड़ा है, मराठे आगे और आपका कोई रिश्तेदार इस टाइम पर बंबई में रंधा होगा महाराष्ट्र में रंधा होगा उसने बूझे उड़े की जलवायु में बिल्कुल साधारण जलवायु उड़े कोई ठंड बोन इस टाइम पे। ठीक है तो मराठे आगे जनवरी में 14 जनवरी की रात थी साथियों, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध लड़ा गया था, युद्ध रात ने थोड़ी थोड़ी बूंद आ गई क्योंकि आपने संक्रांत पर माउट सी कर दिया अगर ठंड बच जाए अगर थोड़ी थोड़ी बूंद आ गई और उन बूंद के साथ हवा की झोंके भी आ गए। ठीक है और जो मराठे थे उन्हें बेरानी था हरियाणा में इस टाइम इतनी ठंड पड़ा है वो धोती कुर्ता मारे थे। ठीक है धोती कुर्ता पहरे थे गर्मी वाली वेशभूषा मारे थे और 2 लाख सैनिक थे करीब मराठे जो थे 2 लाख का करीब सैनिक थे और जब रात ने हवा चल ली और उनकी जाड़ी बाजन लगी कड़कड़ बाजन लगी तो अहमद साबदाली ने सोची अब मशीन गन चला दी और बाजे थी जाड़ी और ज्यादातर तो नुका है कि हारे मराठे नुए हारे उनके जाड़ बाजे थे वो बेचारे कड़ लड़े थे जाड़ी बाजने के कारण है ज्यादा उनके आधे तो वे बूढ़े बूढ़े सैनिक थे वो तो जाडे ने निपटा दिए थे कि मैं रह गए थे वो अहमद साबदाली ने निपटा दिए इस कारण 14 जनवरी संक्रांत के दिन मराठा की हार शुरू हो गई थी और 1761 मराठा की हार हो जाए जीत गया था। ठीक है अगला प्रश्न, हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है यो भी एक बार साफ कर दूं साथियों क्योंकि आसान प्रश्न है और अनुभव जी यो भी कराना है देखो मैं सारे कराऊंगा मन नहीं मेरा एक भी क्लास में कई बार पूछू न सीधा तो एक के बता दे हाँ अपने साइड नहीं दो प्रश्न है कति आसान प्रश्न है हरियाणा का राजकीय खेल हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है साथियों तो कुश्ती बाढ़ के बताऊंगे शहर तो नहीं बताऊंगे हाकी के बताऊंगे
आपकी बताना हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है, कुश्ती। और ये फ्री के नंबर राजकीय वृक्ष, राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है, वो साथियों पीपल, पीपल वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष है, ठीक है। उसके बाद कुश्ती, पीपल और राजकीय पक्षी, पक्षी जो है वो काला तीतर है, काला तीतर एक पेपर में आ गया था, काली तीतरी भी आ सका है, एचएससी या किमें भी दे सका है, इसका बहुत महान बोर्ड है, ठीक है। राजकीय काला तीतर, ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन आपने देख लियो। राजकीय फूल पूछे तो कमल का फूल है, कमल, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों, वैसे मैंने पहले जो वीडियो उसमें बता भी दिया था, 1984 में भगवत दयाल शर्मा जो है, 1984 में भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री था, वो कहां का राज्यपाल था, तो मध्य प्रदेश का। 1984 में भगवत दयाल शर्मा वो कहां का राज्यपाल था, मध्य प्रदेश, और जिसकी राजधानी है भोपाल, और भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी 1984 में हुई थी, ठीक है। तो ये उस टाइम पे भगवत दयाल शर्मा के था मुख्यमंत्री था। अगला प्रश्न है साथियों, सजावटी मछली एचरी फार्म कहां पर है हरियाणा में, किस जिले में सजावटी मछली एचरी जो फार्म वो कहां पर है, तो साथियों है हरियाणा के झज्जर जिले में, कौन से जिले में है, झज्जर जिला है उसमें सजावटी मछली एचरी फार्म जो है वो हरियाणा के झज्जर जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न तक की पेपर मारा था, लोह नगरी, प्रश्न नंबर 19 है, लोह नगरी कौन सी है हरियाणा की, तो लोह नगरी साथियों कौन सी है, हिसार है, कौन सी है, हिसार, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य का पहला बायोगैस संयंत्र किस जिले में, राज्य का पहला बायोगैस संयंत्र कहां स्थापित किया गया, राज्य का पहला बायोगैस संयंत्र कहां स्थापित किया गया, तो जिसमें गोबर गैस प्लांट भी कह दिया गया देसी भाषा में, गोबर गैस प्लांट है वो गुरुग्राम में, भाई कहां स्थापित किया गया, गुरुग्राम में स्थापित किया गया, ठीक है साथियों। तो कहने का मतलब ये हो, आप हमारे साथ जुड़े रही हो। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर पूछे तो बरम सरोवर है, कौन सा है, बरम सरोवर। और बरम सरोवर किस जिले में साथियों, कुरुक्षेत्र जिले में है, और बरम सरोवर को किसने खुदवाया था, राजा जो कुरु थे उसने इसको खुदवाया था। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर राजा बरम सरोवर कुरुक्षेत्र में है, सब पक्का सरोवर पूछ है, बरम सरोवर कुरुक्षेत्र में किसने बनवाया, राजा कुरु ने। और इसको हरियाणा का, बरम सरोवर को हरियाणा का प्रशांत महासागर भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर इसका उपनाम है साथियों। हरियाणा का प्रशांत महासागर कौन सा है, तो कौन सा साथियों, बरम सरोवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यो तो एक और आ गई, हरियाणवी लोकोक्ति है भाइयों, दूसरे की थाली में घी घणा लागे से इसका क्या अर्थ है भाई, दूसरे का जीवन जो है वो सुखी नजर आवे है। आपने के बिरादर में के दुख से नहीं लगते पा रहे हो, तो आपके दिमाग में के जागी काचे काट रहा है, बह या डीडास के जूते पा रहा है, तो दूसरे की थाली में घी गणा लगा, इसका मतलब क्या है, दूसरे का जीवन सुखी नजर आता है, ठीक है। उसके बाद मौसम खतरी किस खेल से संबंध रखते हैं, तो मौसम खतरी जो उसका खेल है साथियों की है कुश्ती, कौन सा है, कुश्ती। कहने का मतलब है खेल खिलाड़िया में भी इसमें पूछ दे रहे हैं साथियों। तो दो प्रश्न और बचिए, और कराए दे हूं, सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी देने वाला गांव, आड़े लिख दो हूं, आवाज सुन लियो, सबसे अधिक सैनिक
अधिकारी देने वाला गांव, सैनिक अधिकारी देने वाला गांव साथियों कौन सा है? वो गांव है कोसली। कौन सा गांव है? सबसे अधिक सैनिक अधिकारी देने वाला गांव कौन सा है? कोसली। और ये कोसली गांव किस जिले में साथियों? रेवाड़ी में। कौन सा जिले में है? रेवाड़ी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार साफ कर ले तो प्रश्न और कराए दे। हाँ, एक तो अलग तला रहे और हमारे बीच में आज हमारे बड़े ही अजीब मित्र हैं, और ये जैसे शनिवार की या संडे की जब भी छुट्टी होती है तो हमारे बीच आ जाते हैं। आज तो क्या कहते हैं, बुलाने पड़ते हैं। इंग्लिश के विवाणी के अंदर सुपर स्टार, मैं तो अध्यापक तो मानना नहीं, सुपर स्टार जादूगर मानता हूं इनको इंग्लिश का, क्योंकि जादू है इसकी जबान में। हरियाणवी में इंग्लिश करा हूं, एक वीडियो आपने देखी थी, इतना प्यार दिया था। ठीक है, तो मैं तो बहुत प्रभावित हुआ हूं टीचरों से। अमित वशिष्ठ नाम उनका, आज बड़ा कर रहे जी आप हमारे बीच पहुंची हो तो आज हमारे बीच आ रहे हो, उनका आप तो मिलवा देंगे। दो प्रश्न और उसके बाद अमित वशिष्ठ तक दो मिनट बात कराएंगे साथियों, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। क्योंकि देखो हरियाणा में क्या है कि इंग्लिश तो डर है, कई पीढ़ियां अपना कोई रिश्ता को निश्चित है, लेकिन इसने एक कला सीखी, इसने एक जिद कर ली, साइंस पढ़ा कर दे, बहुत बढ़िया साइंस कराओ है, लेकिन दिक्कत क्यों हुई, जिद कर ली। बोले बालक डरे हैं जी, माँ क्या बोले इंग्लिश, तो बोला मैं इंग्लिश ही सिखाऊंगा, तो जिद्दी मान मास्टर है। तीन भाषाओं में कहती देसी भाषा में माने इंग्लिश कराने की जो कला है साथियों, और एक ये वीडियो डाली थी अपने चैनल पे अमित सर ने, उनका अलग से चैनल है, लेकिन मेरे पास आ रहे थे, मैं क्या गया माँ जी आते वीडियो डलवा दो, तो ईसा मौका होगा जी एक दो वीडियो और डलवा देंगे। दो प्रश्न और साथियों फिर बताएं। हाँ, कौशल विकास का हरियाणा कौशल विकास, हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? तो तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग से इसका संबंध है। हरियाणा कौशल विकास जो योजना है किसका कल है? तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, यो तो सबने मेरा, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1091 कितना है? 1091। और एम्बुलेंस का करीब कितना कर दिया साथियों? 108 कर दिया शायद, एम्बुलेंस खातर 108 कर दिया। पुलिस खातर कितना है? 100 नंबर डायल करो, और एम्बुलेंस हो फायर ब्रिगेड खातर कितना है? 101। ठीक है, तो ये कुछ नंबर आ जाए हैं। एक और हाँ सही कह है, वो आधार कार्ड के लिए 1947 से, आधार कार्ड के लिए 1947 से जो है वो हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, महिलाओं के लिए 1091, एम्बुलेंस खातर 108, पुलिस खातर 100, फायर ब्रिगेड खातर 101, और जो आधार कार्ड की जानकारी लेनी उस खातर कितना 1947। ठीक है साथियों, और आज का लास्ट प्रश्न मैं आपके बीच लेकर आ हूं, गौकर्ण तालाब, गौकर्ण तालाब यो किस जिले में है? तो साथियों बहुत बार पेपर में आज हरियाणा का है, रोहतक जिले में है। कौन से जिले में साथियों? रोहतक जिले में है। और अब मैं अपने बीच आमंत्रित करूंगा हमारे बड़े ही अद्भुत अध्यापक अमित सर वशिष्ठ जी आए साथियों, बहुत प्यार मिल रहा है हरियाणी में। फिर इंग्लिश आपका मैं स्वागत करता हूं अमित वशिष्ठ जी। साथियों यार जोड़ी जो है, देखो मैं बहुत प्रभावित अमित वशिष्ठ जी से, सर अपने चैनल पर अपने जो प्रिय छात्र छात्राएं हैं बहुत लोग जुड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? पहले तो सभी को प्यार भरी नमस्कार। बाकी संदेश तो मैं क्या दूं भाई, बालकृष्ण सर सदैव संदेश देते रहते हैं, सिर्फ वो है जो आदेश करेंगे वो तो हम फॉलो करेंगे, और कोई संदेश नहीं भाई। सर हमने देखा जो कि आपने देखा हरियाणा जी क्या 22 नंबर की और इंग्लिश आने लगी 8 नंबर की, और मैं देखा गया कि हरियाणा में इंग्लिश तो बहुत कंटेंट है भाई, इसके कारण सिलेक्शन बेचारे नहीं होता। इंग्लिश में 8 में का एक ठीक पा गया जी, तीन ठीक पा जाओ तो सवा मणि ला दे हरियाणा जी, इंग्लिश में तीन ठीक पा गया मतलब लाग गए। ईसा तरीका आपने मतलब अपनाया है, हिंदी में बताओ आप, हरियाणवी में बताओ, इंग्लिश में तो पढ़ा हुए हो, मतलब आपने जो ये तरीका अपनाया है, क्या जिद थी इसी आपकी? जिद तो सर यह थी कि बालक डरा करते हरियाणवी इस तरह इंग्लिश डरा करते, बिल्कुल बिल्कुल, और यो डर था यो फोबिया जो था यो न सीखण तो रोक रहा था। कोई बिहार ताग पढ़ा हुआ है तो उनसे तो बिहार ही सीख गया होगा, यूपी ताग पढ़ा तो सोच गए होंगे यूपी तो है सीख गया होगा, ये मन ने सोची उनका भाई अगर सीख सके है, इनका मैं संदेश आगा कि यो मास्टर मारा भाई है, मारा जी साहे है, यो इंग्लिश बोल सके है, समझा सके, समझ सके तो हम भी समझ सका, बस यो संदेश देना है जी। संदेश तो एक है, बालक देखने लग रहे हैं।
हाँ जी एक और निवेदन है, बताओ बताओ अगली वीडियो कब डाल देगा इस चैनल पर। लो जी देखो बाल की समझेगा तो फिर संपर्क ये शादी से इनकी आप वादा कर दे उससे दिन बाल करता की। देखो भाई इंग्लिश खत और देश बिना के यूट्यूब चैनल पा जाएंगे और पहले एक क्लास की रिवाइज थी उससे मैं 2-3% आगे थे। आप आने देख मैं तो नुकन तक होने था फटाफट इंग्लिश बोलोगे अपना काम चल जाओ देसी सुखी करना सच्चा करना सुखी रहना। और इसलिए वीडियो 1.5-2 घंटे आएगी कम तक मास्टर की डलवाऊंगा वादा आपको आगे करवाने लगे हम कहते पर्दे के पीछे ही बात करनी है कब समय निकाल रहे हो पर्दे पे वादा कर रहे हैं जी और आपने मेरा वादा तो निभाना है। बिल्कुल बिल्कुल तो अगले संडे ना वीडियो डालते हैं आपके बीच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अगले संडे ना साथ इंग्लिश की 2 घंटे की वीडियो आपके बीच लेगा अमित वशिष्ठ आऊंगे और इनका चैनल भी है अमित एग्जाम हब साइंस की और इंग्लिश की ज्यादा वीडियो देखने का तरह आप उसने सब्सक्राइब कर लियो हमारे बीच आए साथियों दोनों इकट्ठे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।